हेलो बच्चों चैनल पे आपका स्वागत है आज हम करेंगे चैप्टर नंबर थर्टीन फन विद मैग्नेट्स मैग्नेट्स होते हैं चुंबक पहेली एंड बोजो वेंट टू ए प्लेस वेयर ए लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल वाज पाइल्ड इनटू यूज हीप्स समथिंग एक्साइटिंग वाज हैपनिंग ए क्रेन वाज मूविंग टुवर्ड्स द हीप ऑफ जंक द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्रेन लोवर्ड ए ब्लॉक ओवर ए हीप इट देन बिगन टू मूव गेस व्हाट Many pieces of iron junk Was sticking to the block as it moved away. आप फिगर देख सकते हैं 13.1 पिकिंग अप पीसेज ऑफ आयरन फ्रॉम वेस्ट पहली और बुज्जो एक ऐसे प्लेस पे गए जहां पर बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे कूड़े के उन्होंने एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज देखी वहां पे उन्होंने क्रेन को देखा जो कि जो हीप बना हुआ था जंक का उसकी तरफ जा रही थी क्रेन का जो लंबा हिस्सा होता है उसके नीचे एक ब्लॉक था आप इसमें देख सकते हैं ये क्रॉस बने हुए हैं ये क्रेन का लंबे वाला हिस्सा है इसके नीचे एक ब्लॉक लगा हुआ है जो कि कूड़े के ढेर के बिल्कुल ऊपर है जब इसने चलना शुरू किया तो क्या हुआ जंक जो पीसीस थे आयरन जंक के पीसीस थे वो बहुत से इस ब्लॉक के साथ चिपक गए

इनके पीछे चुंबक होता है इन सम पिन होल्डर्स पिन सीम टू स्टिकिंग टू द होल्डर इन सम पेंसिल बॉक्सेस, फिट्स टाइटली व्हेन वी क्लोज इट इवन विदाउट ए लॉकिंग अरेंजमेंट। सच स्टिकर्स पिन होल्डर्स एंड पेंसिल बॉक्सेस, हैव मैग्नेट्स फिटेड इनसाइड। आप फिगर में देख सकते हैं कुछ आइटम्स दे रखे हैं जिनके अंदर मैग्नेट होता है पिन होल्डर दिखा रखा है इसके अंदर मैग्नेट होता है जिससे जो ये लोहे की पिन होती है ये इसके अंदर चिपकी रहती है इसके ऊपर एक ज्योमेट्री बॉक्स दिखा रखा है इसका जो ढक्कन है इसके अंदर मैग्नेट होती है जिसकी वजह से ये टाइटली फिट हो जाता है इसके अंदर कोई लोकिंग अरेंजमेंट नहीं होता दाए साइड में एक फ्रीज दिखा रखा है इसके ऊपर जो स्टिकर चिपका हुआ है इसके पीछे मैग्नेट होता है

इसके पीछे कहानी है एक शैपड़ था गडरिया उसका नाम था मैगनीज रहता था उसके पास एक झुंड था शीप और का वो उनको एक माउंटेन पर ले जाता था ग्रेजिंग करने के लिए घास चराने के लिए उनको तो उनको कंट्रोल करने के लिए अपने हार्ड को अपने झुंड को कंट्रोल करने के लिए वो क्या लेके जाता था अपने साथ एक स्टिक लेके जाता था और स्टिक के एक साइड में एक लोहा लोहे का एक छोटा सा पीस अटैच था एक दिन क्या हुआ कि उसकी जो स्टिक थी जिस साइड लोहा लगा हुआ था वो एक माउंटेन के साथ अटैच हो गई ऐसा लग रहा था जैसे स्टिक को कोई अट्रैक्ट कर रहा है रोक में रोक में से ये रोक थी एक नेचुरल मैग्नेट था इसका नाम था मैग्नेटाइट और इसी से शैपड़ की स्टिक थी वो अट्रैक्ट हो रही थी इस तरह से नेचुरल मैग्नेट्स की डिस्कवरी हुई सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट इन रॉक्स को मैग्नेटाइट का नाम दिया गया हो सकता है उस गडरिये के नाम से ही इस रॉक का नाम मैग्नेटाइट रखा गया मैग्नेटाइट के अंदर आयरन होता है सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट ए प्लेस मैग्नीशिया कुछ लोगों का मानना है कि जो मैग्नेटाइट की खोज हुई थी वो मैग्नीशिया नामक एक स्थान से हुई थी द सब्सटेंसेस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नोन एज मैग्नेट्स दिस इज हाउ द स्टोरी इज जो सब्सटेंस आयरन को अट्रैक्ट करते हैं उनको हम मैग्नेट्स बोलते हैं इस तरह से ये स्टोरी है ये तो थे नेचुरल मैग्नेट्स लेकिन आज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी बनाए जाते हैं नाउ अ डेज

अब हम करेंगे एक्टिविटी फर्स्ट इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें एक पेपर का या प्लास्टिक का कप चाहिए कप के अंदर हम एक मैग्नेट रखेंगे और इस कप को हम ढक देंगे ताकि हमें मैग्नेट दिखाई ना दे ये बच्चे जादुई खेल भी बोलते हैं इसको इसको हम एक स्टैंड के साथ कप को एक स्टैंड के साथ हम एडजस्ट कर देंगे कप के नीचे एक धागा है और धागे के साथ एक छोटी सी क्लिप है आयरन की वो चिपकी हुई है अब हम क्या करेंगे इस धागे के साथ जो क्लिप है इसको हम कप की तरफ लेके आएंगे कप के अंदर मैग्नेट है तो ये क्लिप मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी और ऐसा लगेगा जैसे कि एक काइट छोटा सा काइट हवा के अंदर उड़ रहा है मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ इस एक्टिविटी को हम एक खाली कप लेंगे ये पेपर या प्लास्टिक का हो सकता है इसको ऊपर से इसके अंदर एक मैग्नेट रखेंगे ताकि किसी को दिखाई ना दे ऊपर से हम कागज से इसका मुंह ढक देंगे नीचे हम इसके एक छोटी सी क्लिप लेंगे आयरन की थ्रेड से बंधी हुई अब हम क्लिप को कप के नीचे लेके आएंगे ये आयरन की क्लिप है और कप के अंदर जो मैग्नेट है इनके बीच में अट्रैक्शन होगा और ये क्लिप ऐसे उड़ेगी जैसे छोटा सा काई टूट रहा है समझ गए बच्चों अब हम करेंगे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो लोहे की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं उनको हम बोलेंगे मैग्नेटिक लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो आयरन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते इनको बोलेंगे हम नॉन मैग्नेटिक तो अगर हमारे पास मैग्नेट है और उसके पास हम आयरन ऑब्जेक्ट लेके आएंगे तो अट्रैक्ट होगा वो तो वो एक मैग्नेटिक मटेरियल है लेकिन अगर हम मैग्नेट के पास स्केल लेके आएंगे या इरेजर लेके आएंगे तो वे अट्रैक्ट नहीं होंगी वे हमारी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है तो आप लिखेंगे फर्स्ट मैग्नेटिक मटेरियल द मेटीरियल्स विच गेट अट्रैक्टिड टुअर्ड्स ए मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक इसके एग्जाम्पल्स हैं आयरन निकिल एंड कोबाल सेकेंड नॉन मैग्नेटिक द मेटीरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टिव टुअर्ड्स ए मैग्नेट आर कॉल्ड एज नॉन मैग्नेटिक अब हम इसके एग्जाम्पल्स लिखेंगे जैसे स्केल है शू है वुज

को ढूंढ सकते हैं क्योंकि निडल लोहे की बनी होती है और मैग्नेट लोहे की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इसके नीचे टेबल दे रखी आयरन बॉल इज अप ऑफ आयरन सो इट इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट स्केल इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक सो इट इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट सिमिलरली शू इट इज मेड ऑफ लेदर इसका आंसर भी आप नो no लिखेंगे Now we will do activity number three. हम मैग्नेट को सोइल के अंदर रख करेंगे उसको अच्छे से रगड़ेंगे सोयल के अंदर फिर हम मैग्नेट को बाहर निकाल के देखेंगे हम देखेंगे कि मैग्नेट के ऊपर क्या कुछ चिपका हुआ है हल्के से हम उसको हिलाएंगे ताकि जो सोयल के पार्टिकल्स हैं या मिट्टी जो है चिपकी हुई वो उससे उतर जाए अब हम देखेंगे क्या इसके साथ अब कुछ चिपका हुआ है? इसके ऊपर छोटी छोटी आयरन की फीलिंग्स हैं। आप फिगर देख सकते हैं फिगर ए में आयरन फीलिंग्स ज्यादा चिपकी हुई हैं, बी में कम चिपकी हुई हैं और सी में इसके ऊपर कोई भी आयरन फीलिंग नहीं है इस एक्सपेरिमेंट से या इस एक्टिविटी से हम पता लगा सकते हैं कि किस मिट्टी के अंदर कितनी आयरन फीलिंग्स हैं। आपको ये एक्टिविटी में दोबारा बता देती हूँ आप एक मैग्नेट को सोइल के अंदर रगड़ेंगे अच्छे से हम देखेंगे क्या उसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स चिपक गए हैं फिर हम उसको हल्का सा हिलाएंगे इससे उसकी सोयल पार्टिकल्स निकल जाएंगे और उसके ऊपर जो बच जाएगा वे आयरन फीलिंग्स हैं अब हम करेंगे पोल्स ऑफ मैग्नेट ये जो हमने एक्टिविटी करी अभी अभी इसमें क्या आपको कोई स्पेशल दिखाई देता है कि आयरन फीलिंग्स किस पैटर्न में उसके ऊपर चिपकती हैं इसमें क्लियरली दिख रहा है कि जो आयरन फीलिंग्स हैं ये सिर्फ एंड्स पे चिपकी हुई हैं अब हम इसी बार मैग्नेट को यूज करेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे हम आयरन फीलिंग्स लेंगे कागज के ऊपर और बार मैग्नेट को उस कागज के कागज पर रख देंगे आयरन फीलिंग्स क्या पूरे मैग्नेट के ऊपर चिपकती हैं? नहीं आयरन फीलिंग्स सिर्फ एंड्स पे चिपकती हैं। आप फिगर देख सकते हैं 13.7 आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू ए बार मैग्नेट इसके मिडल में बार मैग्नेट के मिडल में बहुत कम चिपकी हुई है सिर्फ एंड्स पे चिपकी हुई है टू द टू एंड्स ऑफ ए बार मैग्नेट और इनको हम बोलते हैं पोल्स पहेली ने क्वेश्चन पूछा है पजल है ये आपको दो यू आर गिवन टू आइडेंटिकल बार्स विच लुक एज इफ दे माइट बी मेड ऑफ आयरन वन ऑफ देम इज मैगनेट वन इज ए आउटनेट हमें दो बार दे रखे हैं बिल्कुल सेम है दिखने में और वे आयरन से बने हुए लगते हैं लेकिन उनमें से एक तो मैग्नेट है और एक उनके अंदर आयरन बार है तो आपको ये बताना है कि उसमें से मैग्नेट कौन सा है इसके लिए अब हम ये एक्टिविटी जो भी अभी करी है हमने ये ले सकते हैं एक हम शीट लेंगे पेपर की उसके ऊपर हम आयरन फीलिंग्स फैला देंगे अब हम पहले वाले को लेके आएंगे अगर उससे चिपक जाती है तो वो मैग्नेट है फिर हम सेकंड वाले को लेके आएंगे उससे ये चिपकेंगी नहीं क्योंकि उसमें एक मैग्नेट है और एक उसमें आयरन बार है तो जिससे आयरन फिलिंग्स चिपक जाएंगी वो मैग्नेट है और जिससे नहीं चिपकेंगे वो आयरन बार नेक्स्ट फाइंडिंग डायरेक्शन मैग्नेट्स वर नॉन टू पीपल फ्रॉम एंशियंट टाइम्स मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स वर आल्सो नॉन टू देम यू माइट हैव रीड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द यूजेस ऑफ मैग्नेट्स वन सच स्टोरी इज अबाउट एन एम्पीरियर इन चाइना नेम्ड होइंग टी इट इज सेड दैट he had a chariot with a statue of a lady that could rotate in any direction it had an extended arm if it was showing the way. statue had an interesting property it would rest in such a position that its extended arm always pointed towards south by looking at the extended arm of the statue the emperor was able to locate directions when he went to new places on his कैरियोट आप फिगर देख सकते हैं थर्टीन पॉइंट एट द डायरेक्शन फाइंडिंग एक स्टोरी है इसके बारे में डायरेक्शन को कैसे फाइंड करते थे पहले चाइना में एक एम्पियर था मतलब वहां का राजा था होंग टी उसके पास एक कैरियोट था उसके अंदर एक लेडी का स्टैचू बना हुआ था वो हर डायरेक्शन में रोटेट कर सकता था घूम सकता था इसकी एक लंबी भुजा थी ऐसा लगता था जैसे ये रास्ता दिखा रहा है लेकिन स्टैचू के अंदर एक मजा इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ऐसी पोजीशन में रेस्ट जब रेस्ट करता था तो ऐसा लगता था इसकी जो एक्सटेंडेड आर्म है जो खुली हुई आर्म है वो साउथ की तरफ पॉइंट करती थी इसकी एक्सटेंडेड आर्म को देख के, राजा डायरेक्शंस का पता लगा लेता था जब उसको अपने कैरियोट पे कहीं नई जगह पर जाना होता था डायरेक्शन फाइंडर बनाएंगे कैसे बनाएंगे इसको मार्क ऑन वन ऑफ इट्स फॉर आइडेंटिफिकेशन नाउ टाई एट दिडल ऑफ द मैग्नेट so that you may suspend it from a wooden stand make sure that magnet can rotate freely let it come to rest mark two points on the ground to show the position of ends of the magnet when it comes to rest हम एक बार मैग्नेट लेंगे और जो इसके दो एंड होते हैं बार मैग्नेट के उनमें से एक एंड के ऊपर हम कोई निशान बनाएंगे आइडेंटिफिकेशन के लिए अब हम इसके बीच में मैग्नेट के बीच में एक धागा बांध देंगे और इसको वुडन स्टैंड में एडजस्ट करके इसको लटका देंगे मैग्नेट हमारा फ्रीली रोटेट करना चाहिए अब ये रोटेट करने के बाद रेस्ट में आ जाएगा अब हम इसके जो मैग्नेट के दो एंड्स हैं उन दोनों एंड्स को हम मार्क करेंगे जब ये रेस्ट में आएगा उन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे उन दोनों पॉइंट्स के जोड़ने के बाद जो लाइन आएगी इट शोज द डायरेक्शन इन द मैगनेट वॉज इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट ये जो लाइन है डायरेक्शन बताएगी अब हम इस मैग्नेट को बार बार रोटेट करके देखेंगे लेकिन हर बार मैग्नेट सेम डायरेक्शन में जब रेस्ट में आता है तो सेम डायरेक्शन में आता है ये। अब हम पता लगा सकते हैं कि जो एम्पीरियर का कैरियोट था उसके पीछे क्या मिस्ट्री थी जो उसका स्टैचू था कैरियोट के अंदर इसके अंदर मैग्नेट था ये रोटेट करने के बाद हमेशा एक ही डायरेक्शन में आता था यानी कि साउथ की तरफ आता था अगर हम आयरन मैग अगर हम यही एक्टिविटी बार मैग्नेट के साथ ना करें और इस एक्टिविटी में हम वुडन स्केल को यूज करें या हम किसी प्लास्टिक को यूज करें तो ये एक्टिविटी नहीं होगी और ये मटेरियल्स सेम डायरेक्शन में नहीं आएंगे क्योंकि एक फ्रीली सस्पेंडेड बार यही हमेशा पर्टिकुलर डायरेक्शन में आता है A freely suspended bar magnet always comes to rest in a particular direction, a particular direction kya hoti hai? north south direction. The end of the magnet the, that points toward north is called north pole and the other end that points toward the south is called south pole. ऑल द मैग्नेट्स है लेकिन मैग्नेट के जितने भी टाइप के मैग्नेट है सबके दो ही पोल होते हैं नॉर्थ एंड साउथ नॉर्थ को हम एन से डिनोट करेंगे और साउथ को एस से डिनोट करेंगे ये प्रॉपर्टी बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए फोर सेंचुरी यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट टू फाइंड डायरेक्शन पहले ट्रेवलर्स मैग्नेट की इस प्रॉपर्टी को यूज करते थे और दिशाओं का पता लगाते थे ओल्डर डेज में ट्रेवलर्स क्या करते थे नेचुरल मैग्नेट्स को एक थ्रेड से बांध के लटका देते थे इससे उन्हें दिशा का या डायरेक्शन का पता चल जाता था और वो इसको हमेशा अपने साथ लेके जाते थे ये तो ये तो हुई पुरानी बातें अब बाद में क्या हुआ

जब रेस्ट में आती है तो निडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इंडिकेट करती है बताती है मेक यूर ओन मैग्नेट आप चाहें तो अपना खुद का मैग्नेट बना सकते हैं इसके लिए आप फिगर देखो 13.1, पॉइंट वन मेकिंग योर ओन मैग्नेट इसमें आपको 13.11, पॉइंट इलेवन मेकिंग योर ओन मैग्नेट इसमें आपको किस किस चीज की नीड होगी एक बार मैग्नेट जो ये पिंक कलर की दिखा रखी है हो सकता है ये आपकी बुक में ब्लैक कलर की हो जो हाथ में पकड़ा हुआ है ये बार मैग्नेट है और नीचे ये लॉन्ग आयरन स्ट्रिप है अब कैसे बनाएंगे मैग्नेट आप इसमें ये देखो कि किस साइड से किस साइड इसको ले जाया जा रहा है बार मैग्नेट को बार मैग्नेट को हम जो आयरन पीस है उस पर से आराम से लेके जाएंगे वाइज फिर इसके दूसरे एंड तक आते आते हमने बार मैग्नेट को उठाना पड़ेगा अब दोबारा से हम जहां से शुरू किया था बार मैग्नेट को वही पोल उसी पोल से हम दोबारा से फिर इसके ऊपर से लेके जाएंगे आयरन पीस के ऊपर से मतलब हमने बार मैग्नेट को आयरन पीस के ऊपर से 40 से 50 बार लेके जाना है तब ये हमारी जो आयरन पीस है नीचे जो बड़ा पीस दिखाई दे रहा है ये मैग्नेट बन जाएगा आप इस आयरन पीस की जगह नीडल भी यूज कर सकते हैं और आयरन नेल भी यूज कर सकते हैं यू नाउ नो हाउ टू मेक ए मैग्नेट वुड यू लाइक टू मेक योर ओन कंपस अब हमें मैग्नेट बनानी आ गई है अब हम अपना कंपस भी बना सकते हैं तो हम कैसे बनाएंगे अपना कंपस इसके लिए हमें ज्यादा मटेरियल्स नहीं चाहिए हमें एक हमें एक कप चाहिए या एक बाउल चाहिए और एक कॉर्क चाहिए और जो हमने अभी अभी मैग्नेट बनाई है वो चाहिए बस इसमें हमें तीन चार चीजें चाहिए इंसर्ट द मैग्नेटाइज्ड नीडल थ्रू ए स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क जो हमारे पास मैग्नेटाइज नीडल है जो हमने अभी अभी मैग्नेटाइज करके बनाई है उसको हम एक कॉर्क के अंदर डाल देंगे और कॉर्क पानी के ऊपर फ्लो करेगा पानी किसमें ले रखे हमने एक छोटे से बाउल में ले सकते हैं या छोटे से टब में ले सकते हैं छोटा सा बर्तन होता है इसके लिए ज्यादा बड़ा नहीं होता लेकिन हमने जो कॉर्क के अंदर नीडल डाली है वो वॉटर को टच नहीं करेगी और ये आपका कंपस तैयार हो गया ए नोट ऑफ द डायरेक्शन इन विच कॉर्क ये लकड़ी का बना हुआ है तो ये पानी से हल्का होता है तो ये पानी के ऊपर फ्लोट करेगा अब हम निडल जिस साइड पॉइंट करती है हम उन डायरेक्शंस को नोट कर लेंगे अब हम इस कॉर्क को रोटेट करेंगे हमने इसमें यह देखना है कि जैसे कंपस के अंदर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है, वैसे ही जो नीडल हमने के अंदर डाली है क्या वो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है या नहीं करती हमने इसमें इस एक्टिविटी में हमने यही देखना है अब हम इस कॉर्क को रोटेट करेंगे घुमाएंगे अलग अलग डायरेक्शन में जब ये कॉर्क रोटेट करना बंद कर देगा तब हम इसकी डायरेक्शन फिर नोट करेंगे इसकी डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी तो इससे हमें यह पता चल गया कि जो निडल है इट ऑलवेज पॉइंट इन सेम डायरेक्शन दैट इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन अब हम करेंगे अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में समझाऊंगी ओके okay बच्चों, थैंक यू बाय बच्चों